हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। थोड़ा अनबॉक्सिंग, थोड़ा इंटरेस्टिंग। और आज का टॉपिक है एक अनबॉक्सिंग जो कि सीक्रेट बॉक्स के साथ होने वाला है। सीक्रेट तो नहीं है क्योंकि आप लोग ने तो पहले ही थंबनेल में देख लिया है कि इस बॉक्स के अंदर क्या है, मतलब कि आज का अनबॉक्सिंग किसका होने वाला है। तो चलिए मैं अब इसे खोलने जा रहा हूँ। ये अमेजोन से आया गया है, इसीलिए आप देख सकते हैं कि इसका पैकिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से किया गया है, काफ़ी टफ है, तो इसे खोलने में मेरा जान भी निकल सकता है शायद। तो चलिए अब मैं इसे खोलना चालू करता हूँ। इसके लिए हमें पहले ये सब इसको इस तरह से स्लाइड करके खोलना होगा। और तो चलिए गाइस, ये तो खुल गया। अब बारी है इस बॉक्स का और देखते हैं कि हमारा ये बॉक्स का कंटेंट क्या है। तो चलिए खोलना शुरू करते हैं। तो गाइस, इसमें जो है उसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा तक तो नहीं मालूम, पर जितना तक मुझे मालूम है मैं उतना तक आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो लीजिए, ये बॉक्स मैंने खोल लिया और आप देख सकते हैं इसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स है जो कि बाद में मैं दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या है। तो इसे साइड में रखते हैं। और बॉक्स को खोलते ही आपको मिलता है दो थर्मोकॉल्स जो कि मेरे कोई काम का नहीं है, तो मैं इसे फेंक देता हूँ। और मिलता है एक मैनुअल जिसमें आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप का एक पिक्चर बना हुआ है, और ये सिर्फ दो ही पेज का है। और यहाँ पर जो सब बताया गया है कि कौन सी चीज़ को क्या कहा जाता है, और यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, चाहे तो पढ़ तो सकते ही है कि ये क्योंकि ये बहुत ही कम है, इसीलिए आप थोड़ा टाइम निकाल के इसे पढ़ लीजिए क्योंकि ये चीज़ बहुत ही सेंसिटिव है। तो मैं तो कहूँगा कि आप इसे पढ़ ही लीजिए क्योंकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, तो इसीलिए शायद आपको पता चल जाए। तो थोड़ा सा वेट कीजिए कि ये क्लॉथ मेरा थोड़ा गंदा हो गया, तो इसे मैं थोड़ा ठीक कर लूँ। हमारा इस क्लॉथ तो हो गया ठीक, अब देखते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है वो दिखता कैसा है। तो इसे अब हम बाहर निकालेंगे। लीजिए, आ गया ये बाहर। और ये हमारा बॉक्स, इसके अंदर और भी कुछ नहीं है क्योंकि मैं इसे पूरा उल्टा कर लिया था इसीलिए। तो अब इसे शायद लेटा के खोलना पड़ेगा क्योंकि वरना ये गिर के टूट भी सकता है। सो अब देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा है माइक्रोस्कोप। वाओ, ये तो गजब है। वाओ, ये क्या है? ये शायद कोई चार्जर है। और ये शायद क्या है मुझे पता नहीं। वाओ, लुक गाइस, ये तो बहुत भारी है और काफी कूल लग रहा है। वाओ, ये है हमारा मेन टॉपिक, हमारा माइक्रोस्कोप। टडा, वाओ वाओ, हमारा रेडिकल का माइक्रोस्कोप। वाओ, ये तो गजब है। वाओ, सो गाइस, ये तो हमारा माइक्रोस्कोप का अनबॉक्सिंग हो गया। अब देखते हैं कि इस बॉक्स में हमें और क्या क्या एक्सेसरीज मिला है। तो जैसे कि ये है एक
25x का जूमिंग लेंस और यहाँ पे मिलता है एक 10x का वाइड फील्ड लेंस और मिलता है यहाँ पे भी एक 10x का वाइड फील्ड लेंस जो कि बहुत ही क्लीन है और यहाँ पर भी है एक 25x का लेंस और यहाँ पर मिलता है एक इमर्शन ऑयल, ये शायद कैप है उस लेंस का आईपीस का और ये भी शायद कोई कैप है और ये देखते हैं ये क्या है। वाओ, ये एक प्रोटेक्टर है, फिल्टर है, लाइट फिल्टर, ताकि आपका जो आँख में कोई डैमेज ना हो लाइट से। ये है एक रिफ्लेक्टर और मिलता है दो छोटे छोटे बॉक्स जिसमें शायद है माइक्रोस्कोपिक कवर ग्लास, इसमें कवर ग्लास है। ये कैसा दिखता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक छोटा छोटा कांच का पीस है इस तरह का और मिलता है एक कवर, ये माइक्रोस्कोप का कवर, एक क्लॉथ ताकि आप आपके अपने लेंस को क्लीन कर सके और मिलता है एक बॉक्स से भरा स्लाइड मिलता है आपको और मिलता है एक सिलिका जेल ताकि कोई मॉइस्चराइजेशन का कोई प्रॉब्लम ना हो आपके इस माइक्रोस्कोप पर। तो चलिए अब इन सब चीज़ का तो अनबॉक्सिंग हो गया। ओह सॉरी, एक चीज़ तो बाकी रह गया था, ये अब देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। हाइपर विजन आईपीस कैमरा, वाओ इसमें कैमरा है। तो चलिए अब इसे खोल के देखते हैं क्या इसमें सच में कोई कैमरा है और कैमरा हो तो कैसा दिखता है। ये है इसका कैमरा और इसमें आपको साथ ही साथ एक मिलेगा एक डिजिटल कैमरा वाला एक सीडी, सॉफ्टवेयर सीडी जो कि बहुत ही छोटा है। ये देखिए और ये है हमारा कैमरा लेंस जिसके मदद से आप अपने माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर मोबाइल से कनेक्ट करके आप देख सकते हैं, चाहे वो मोबाइल हो या फिर आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन से भी कनेक्ट कर सकते हो। ये उसी काम में आता है। देखिए ये इसका लेंस कुछ इस तरह का दिखता है, बहुत ही बढ़िया है। और ये देखते हैं ये क्या चीज़ है। ये है हमारा लाइट, ये देखिए बहुत ही ब्राइट है इसका लाइट, आँख में लग रहा है। और ये है एक चार्जर पिन, इसमें शायद इस लाइट को जलाने के लिए बैटरी है और इस बैटरी ख़त्म ना हो इसीलिए इसको ये चार्जर भी दिया गया है ताकि आप इस बैटरी को चार्ज कर सके समय समय पर। तो अल्टीमेटली ये पूरा जो माइक्रोस्कोप है ये इलेक्ट्रॉनिक तो है पर आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रिक से खींचना नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है क्योंकि कंपनी कहता है कि अगर आपके घर में कभी बिजली चले जाए तो आपका काम कभी रुक ना जाए। तो चलिए अब ये अनबॉक्सिंग तो हो गया तो अब दिखा देते हैं इसका कोई बेसिक जो काम, ये कैसा काम करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नॉब है जिसे आप घुमा के इस वाले हिस्से को आगे पीछे कर सकते हो और यहाँ पे भी एक नॉब है जिससे कि आप इस वाले हिस्से को भी साइड बाय साइड हिला साइड करके आप अपने स्लाइड को एडजस्ट कर सकते हो और स्लाइड आपका लगेगा यहाँ पर आपका स्लाइड लगता है। और ये आप चाहे तो पीछे से भी देख सकते हैं और या चाहे यहाँ पे जो एक
नॉब है इसे आप घुमा के इसे ढीला करके इसे इस तरह से घुमा के आप इसे फिर से टाइट कर दीजिए तो ये मूव नहीं करेगा। तो मैं जैसा था वैसा ही रख देता हूँ। और यहाँ पर है एक और नॉब, इसे आप घुमा के इस वाले प्लेटफॉर्म को ऊपर नीचे कर सकते हो ताकि आपका जो विजन हो वो क्लियर हो। सो गाइस, मैं इसके बारे में इतना कुछ ही जानता था, इससे ज़्यादा मुझे कुछ मालूम नहीं। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि आप प्लीज़ इस मैनुअल को ठीक ठाक से पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में ठीक ठाक से पूरा जानकारी नहीं दे पाया, इसलिए सॉरी। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर देखने के लिए। मैं फिर लौटूंगा इसी जगह, तब तक के लिए बाय बाय। वाओ, वो क्या।